गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडा घाट एंड HPMC। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में माँ बेटी समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत। फिर हिले चंबा की धरती, रिक्टर पैमाने पर 3.5 आकी गई भूकंप की तीव्रता, लोग सहमे। माइनिंग ऑफिसर के अपहरण व पुलिस जवान के साथ खूनी संघर्ष, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। थाने में कब्जाधारियों का हंगामा, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़। और अब समाचार विस्तार से। जिला शिमला के रामपुर थाना के अंतर्गत पाठ के पूना क्रशर पॉइंट के पास पेश आए सड़क हादसे में मां बेटी समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल हैं। घायलों का खनेरी अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात गांव जंथल से कुछ लोग पाठ गांव में विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। जब वे पूना क्रशर पॉइंट के पास पहुंची तो चालक का गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से 100 मीटर नीचे गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक सहित 1 अन्य सवार को घायल अवस्था में खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे की पुष्टि करते हुए SDPO रामपुर चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। पौंटा साहिब पुलिस ने माइनिंग ऑफिसर संजीव कपूर व पुलिस जवान के साथ हमला करने वाले मामले में गुरुवार आधी रात को 2 आरोपी मोमिन और जावेद को अपहरण के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी स्कॉर्पियो सहित ढालीपुर उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल हुई गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। इस दौरान पुलिस टीम द्वारा इंस्पेक्टर विजय रघुवंशी, SHO पूर्ववाला, HC सत्यप्रकाश आदि पुलिस टीमों ने ढालीपुर, डोईवाला, देहरादून आदि में विभिन्न परिसरों में देर रात छापेमारी की और अन्य आरोपियों का पता लगाया, जो अपने घरों से भाग गए। DSP पौंटा वीर बहादुर ने बताया कि 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिला चंबा में शुक्रवार सवेरे भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया है। इसके रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.5 आंकी गई है। फिलहाल भूकंप के झटके से जिला में किसी तरह के जान व माल के नुकसान की सूचना नहीं है। शुक्रवार सवेरे करीब 7:45 अचानक धरती को हिलता देख घरों में कामकाज में जुटे लोग दहशत में आ गए। लोगों ने तुरंत घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पर पनाह ली। उल्लेखनीय है कि चंबा जिला भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है और जिला में समय समय पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाते रहते हैं। पंजाब के माहिलपुर प्रखंड के बिलासपुर गांव में उस समय माहौल गर्म हो गया जब अदालत के आदेश पर पंचायत की जमीन पर कब्जा करने वाले कब्जाधारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों व महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में थाने पर हमला बोल दिया और पुलिसकर्मी को तमाचा जड़ दिया। हालांकि पुलिस अधिकारी, नायब तहसीलदार और BDPO सहित अन्य प्रशासनिक पुलिसकर्मी की पिटाई की बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई बयान लिखने को तैयार नहीं है। मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।